नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी परिवार और माँ एक मज़ेदार कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा किस्म का था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटे डॉक्टर और इंजीनियर ने शादी कर ली और महीनों के बाद ही इनकी बेटी की भी एक अच्छे घराने में विवाह हो गया, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की भी नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह अपने डॉक्टर और इंजीनियर दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम, क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वह अपनी बहन से बहुत अधिक प्यार करता था। कुछ समय बाद उनके पिताजी के बीच वाले बेटे की बिना शादी किए ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कहीं अब किसी के मुँह से बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गाँव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, अनपढ़ बेटा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटरगस्ती के लिए बुलाने आता तो वह मना कर देता। एक दिन उसके डॉक्टर और इंजीनियर भाई ने सोचा कि यह तो गंवार और अनपढ़ है, हम इससे कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, इसलिए अब बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर दी और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन और एक मकान है, अब यह बताओ किसको कितना हिस्सा देना है। तब गंवार भाई कहता है, वकील साहब 5-5 बीघा ज़मीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और यह हमारा घर है, मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा। उस गंवार और अनपढ़ की पत्नी अपने सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है। गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने गंवार भाई के गले लगकर लिपट कर रोती हुई कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, प्यारी बहन, इस घर पर जितना अधिकार हमारा है उतना तुम्हारा भी है, और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से जीवन खत्म तो नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा, क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते रहते थे। एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं। एक अच्छा परिवार और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़ कर फेंक देते हैं, और उस दिन के बाद उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ एक सच्ची कहानी। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।